लॉकडाउन की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोगों में एक डर है, लोग दहशत में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेहद ज़्यादा मजबूर हैं, चला नहीं सकते, किसी तरह अपना गुजारा करते थे, खुददार आदमी हैं, भीख नहीं मांगते थे, लेकिन आज का वक्त वह है कि घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि मदद होगी या नहीं होगी। आज हमारे साथ में ये मेरे भाई हैं, आप चल नहीं सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चल सकते जी, घर में कुछ भी नहीं है जी, ना बच्चों के दूध है, ना राशन है बनाने का, किसी भाई ने जी दिया है, अब ले आए हम खा लेंगे, अब शाम को पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, बताओ। कोई पैसा नहीं है, बच्चे दो छोटे छोटे हैं, दो एक साल का है, एक 5 साल का है, अब दोनों बेचारे भूखे रहते हैं। तो ये मैं मांग के ला किसी भाई से, भाई ने दिया है मेरे को कि जाओ भाई अपना बना बनाना खाना वाना। कम से कम मेरे को 4 घंटे हो गए घूमते घूमते, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो जी मंदिर पे भंडारा हो रहा था, तो उन्होंने दे दिया थोड़ा बहुत पूड़ी वूड़ी और कुछ आटा वाटा दे दिया बस। तो आज आप मजबूरी में निकले हैं घर से बाहर? बहुत ही मजबूरी है जी, बिल्कुल, जब घर बच्चे बिल्कुल ही हो गए, इसलिए निकला मगर चल कुछ तो कुछ मिलेगा ही, भाई कुछ ना कुछ करेगा कोई, इसलिए मैं निकला बाहर। पहले बात तो पुलिस वाले डर लग रहा, बड़ी मुश्किल हाथ पे जोड़े मगर जी चले जान दो, गरीब आदमी गली में वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे और जाने नहीं दे रहे थे, मैंने गरीब आदमी चले जान दो, 2 रोटी ले आऊँगा अपने बालकों के लिए, मैं वो भी नहीं जाने दे रहे घर से बाहर बिल्कुल भी, डंडा मार रहे हैं बिल्कुल, कह रहे अपने घर में रहो। अच्छी घर में क्या ईंट फोड़े के पत्थर खाएंगे, जब घर में कुछ है ही नहीं, हम तो एक आध दिन भूखे भी लें कोई बात नहीं, जो इतने इतने से बाहर लगे हैं कहाँ भूखे रहें। तो रो रो के अभी जिंदगी खराब कर लेंगे, शाम को रोटी मिल रही है, सुबह का पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी जी। अब देखो मैं लेके जा रहा हूँ, कल का जो नहीं पता कल कहाँ से आएगा। आज का आपको पता था कि आज का आप कहाँ से आएगा? ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने दिया है ना, जैसे आप भाई साहब मिल गए, आपसे थोड़ी सी कह दी, आपने खुद कर दी मदद, कुछ ऐसे 3-4 बंदे मिले, किसी ने बताया कि वहाँ चले जाओ, ये सेवा कर रहे हैं, मिल जाएगा राशन वासन, तो वहाँ से लाया हूँ जी। इसलिए जी मगर कोई बात नहीं, हाथ फैला लेंगे, सामने क्या होगा ना, बच्चे तो पाने, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं कि हाथ फैला लिए। आज से पहले आपने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया? नहीं जी, मेरा काम था, मेरे रोटी खोखा है, वहाँ पर मेरा खोखा था तो वो जला दिया। आपका जो खोखा है वो जला दिया? रिक्शा भी थी मेरे पास, दूसरे की मांग कर लाया, भाई चले जाओ भाई, रिक्शा तो तेरी खड़ी था, मैं चला जाऊँ। अच्छा, आपके पास रिक्शा नहीं है अपनी? सब मेरी नहीं है जी। अच्छा, ये एक भाई की है, वो कहने लगा चल भाई ले जाते, उतना कुछ कर लियो, शाम के टाइम जला के दे दियो, मैं ठीक है भाई दे दे, ये रिक्शा भी मेरी सब जला दी थी वहीं। अच्छा, ये रिक्शा कितने की आती है भाई? ये रिक्शा जी उतनी की आती है जैसे जो 2-3 हज़ार रुपये की बन जाती है। 2-3 हज़ार रुपये की बन जाती है? चलो आज से बाद में आप रिक्शे की टेंशन आपकी खत्म, आपको रिक्शा मैं दूंगा, ठीक है भाई, चाहे 2,000 का बने चाहे 5,000 का बने, आज से बाद में रिक्शे की जैसे ही दुकान खुलेगी, जैसे ही वो होगी, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, अगर आप पे वाकई में रिक्शा नहीं है मैं आपके घर आके देखूंगा। जी देख लो, रिक्शा मेरी नहीं है। घर में कितने दो, घर में आप 4 मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं, छोटा लगा वाला, दूध की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, आप हाथ मत जोड़े, मैं आपका भाई हूँ, पहली बात तो समझिए कि हाथ नहीं जोड़ना आपको, ठीक है ना, अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रहना है, ठीक है, खुश है कोई बात ना, कभी ना कभी सुनेगा ऊपर वाला, सुनेगा जरूर। आप रो क्यों रहे हैं, आप ये बता क्यों रो रहे हैं? रो क्या रहा, मैंने कुछ नहीं कर पाया अपने बालकों के लिए। मैंने सोचा था अपने बालकों के लिए बहुत कुछ करूँगा, मैंने मेरे पर कुछ नहीं हुआ कुछ भी, बता ऐसे हालात आ गए, बच्चे दूध मांग रहे हैं, क्या करो क्या करो बताओ, बहुत ही परेशान हूँ मैं तो, ना कोई काम ना धंधा, सब खत्म हो गया। अच्छा, आपके दूध का अगर ये 2 हफ्ते और लॉकडाउन शुरू होता है या लॉकडाउन बढ़ता है, आप ये बताओ आपके दूध का खर्चा कितना है? जी दूध का खर्चा वही 50 रुपये का दूध आता है। 50 रुपये का दूध आता है, यानी कि अगर 20 दिन बढ़ता है तो 1,000 रुपये हो जाएगा, 1,000 में आपका। हाँ जी, वादा करो कि अगर मैं आपको पैसे दूंगा कि आप फिर बाहर नहीं निकलोगे। जी मैं बाहर निकलता ही नहीं, मैं परेशानी में निकलता हूँ उस बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं, मैं परेशानी सब क्यों, बाहर मेरा क्या मतलब बाहर आने का। अच्छा, जब आप आ रहे थे तो अंदर ही अंदर आपके मन में होगा कि अल्लाह कहीं से मदद भेज दे कुछ? भाई हिम्मत नहीं आनी है, रोना नहीं है, हिम्मत ही तो नहीं आता जी, मैं
मैंने बहुत काम करे, मैंने ऐसे ऐसे काम करे, मैंने बर्फ बेका, चाय बेकी, मैंने अंडे भी लगाए, सब काम करे मैंने। तुमने मेरे से कितने पैसे मांगे थे? 1,000 एक हज़ार, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भाई? 25 है जी। 2500 है ना, 2500 है, हो जाएगा आपका बच्चे को? हाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारने ना? ना ना, यकीन है अल्लाह पे। कोई है सुनने वाला ये पता आपको? हाँ जी है जी, है मालिक है सुनने वाला। यकीन था कोई रोकेगा आपको, पानी पिलाएगा, फिर आपको आपको 2500 रुपये देगा? बिल्कुल नहीं जी, कुछ लाऊंगा तो बनेगा, नहीं तो भैया बैठे बच्चे भी, कोई किसी का ना है जी आज के दौर में। हिम्मत नहीं आना, ठीक है भाई, अल्लाह सबके साथ में है, जाओ। देखा आपने, इसे कहते हैं असली मदद। ये इंसान आ रहा था रोड पे और जब हमने इनको पानी दिया तो इनके सीने में दर्द हो रहा था, मुझे लगा कि इनको मदद करनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं अली भाई, इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और कहा कि मुशाहिद भाई ये इंसान मुझे ज़रूरतमंद लग रहा है, हमें भी लगा ज़रूरतमंद इंसान है। घर में पैसा नहीं है यार, सिर्फ 50 रुपया डेली बच्चों के दूध के लिए। ये बाप, अपाहिज बाप, पैरों से चल नहीं सकता और ये भीख मांग रहा है लोगों के सामने कि मेरे मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ पैसा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, अब जाएगा खाना लेके, अब घर पर खाना बनेगा। सोचने वाली बात है, घर से बाहर निकलिए, अपने इलाकों का ध्यान रखिए, अपने मोहल्लों का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों को कभी अकेला मत छोड़िए भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।